My dear friends, I warmly welcome you all to your today's session of this class, IAS 2 Inventories. जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तक हमारे जितने लेक्चर्स हुए हैं, तो इन लेक्चर्स में हम लोगों ने इन्वेंट्री की डेफिनेशन को देखा, IAS 2 के थोड़े से इंट्रोडक्शन को देखा, और उसके बाद जो है हमने देखा कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किस तरह किया जाता है, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के, जो हमें पता चला कि एक पीरियोडिक सिस्टम होता है, एक परपेचुअल सिस्टम होता है। उसके बाद फिर हमें पता ये चला कि जो इन्वेंट्री होती है तो वो या तो मतलब हमने सबसे पहले तो इन्वेंट्री की इनिशियल रिकग्निशन के हवाले से चीज़ देखनी होती है कि इन्वेंट्री को जब हम परचेज करते हैं, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं अपने सिस्टम्स में, तो इन्वेंट्री को हमने किस प्राइस के ऊपर हमने उसको रिकॉर्ड करना। एक बार जब हम इनिशियल रिकग्निशन से फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री की मूवमेंट्स आती हैं। कुछ इन्वेंट्री हम साल में परचेज करते हैं, कुछ साल में हम सेल आउट करते हैं, और कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जो हमें जिससे ख़रीदी थी उसको वापस करनी पड़ती है किसी वजह से, और इसी तरह जो हम सेल्स करते हैं तो कभी कभार हमारी सेल्स हमें वापस हो जाती हैं किसी ना किसी वजह से, और कभी कभार हमारी इन्वेंट्री का कुछ लॉस भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेंट्री की जो नेचर थी वैसी थी कि वो ज़ाया होने वाली थी, किसी वजह से ज़ाया हो गई, हम उसको सही तरीके से जो है वो स्टोर नहीं कर सके, उसको सही तरीके से हम होल्ड नहीं कर सके, वो किसी वजह से डैमेज हो गई। या हो सकता है कि कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ में से कुछ ऐसे लोग हों कि जो थोड़े से डिसऑनेस्ट थे और वो जो है कुछ इन्वेंट्री उन्होंने जो है वो चुरा ली थी। बहरहाल देयर कैन बी 101 रीजंस कि हमारी इन्वेंट्री का कुछ ना कुछ लॉस भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को हम इन्वेंट्री की मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब उस पीरियड के आखिर में, जिस पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं या जिस पीरियड का डाटा हमारे पास होता है, हमारे पास इन्वेंट्री की कभी कभार एक फिगर आती है जिसको हम इन्वेंट्री का एंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन हमने क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यूएशन के हवाले से डिस्कशन की थी। उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स जो है वो प्रेफरेबल हैं जो हम पढ़ भी रहे हैं, एक फाइफो मेथड होता है, एक एवरेज कॉस्टिंग मेथड होता है, और उसके अलावा जो है दो और मेथड्स भी होते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और उसमें से एक मेथड लाइफो जो है वो वैसे भी IFRS के रिकमेंडेशन के खिलाफ है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो फाइफो मेथड होता है, उसके अंदर ये चीज़ होती है कि जो इन्वेंट्री का आइटम हमने पहले ख़रीदा था, हम कोशिश करते हैं कि उसको बाद में ख़रीदे जाने वाले आइटम के नस्बत पहले सेल आउट करें, यानी कि जो इन्वेंट्री पहले हमारे स्टॉक में आई थी उसको हम स्टॉक से आउट भी पहले करते हैं बनिस्बत उस आइटम ऑफ इन्वेंट्री के जिसको हमने बाद में परचेज किया था, ठीक हो गया। एवरेज कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें इस तरह की कोई कैद नहीं होती, बल्कि हम जो इन्वेंट्री आउट कर रहे होते हैं उसको हम एक एवरेज कैलकुलेटेड रेट के ऊपर आउट करते हैं अपने सिस्टम्स में से। तो अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर्स जो पहले गुजर चुके हैं वो नहीं लिए, तो आप लोग जो है उनको YouTube चैनल से भी देख सकते हैं, और जो है इन द एंड ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसकी एक ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आज जो हमारा सेशन है, बेसिकली हम इंशाल्लाह ताला ICAP का जो स्प्रिंग 2020 की अटेम्प्ट है, हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, हम इंशाल्लाह ताला उसको अटेम्प्ट करेंगे। इससे हमें एक तो ICAP की अप्रोच भी समझ में आ जाएगी कि ICAP का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो क्या हो सकता है, और दूसरे नंबर पर हम एक ICAP का सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारे प्रैक्टिस में भी इजाफा होगा, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें जो है एक आइडिया हो जाएगा कि ICAP का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है और कहाँ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ जगह पर एक दो ऐसी चीज़ें भी पॉइंट आउट करवाऊंगा कि जो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी लेकिन ICAP ने उनको प्रेजेंट ऐसे किया हुआ था अपने क्वेश्चन में कि वो हमें क्या लग रहा था कि जैसे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, स्प्रिंग 2020 की अटेम्प्ट है, और ये बेसिकली मैं क्वेश्चन भी आपके सामने पढ़ देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी साथ साथ इसको पढ़ें भी और इस पर गौर भी करें। एक कंपनी है कलर ट्रेडर्स, और वो बेसिकली क्या करती है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, यानी कि उनकी सेल और परचेज करती है। सेल ऑब्वियसली अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और परचेज ऑब्वियसली सेल को चालू रखने के लिए। तो KT जो है इसका एब्रीविएशन है, मुखफ़ है कलर ट्रेडर्स का। इसके बारे में उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि ये जो बिजनेस है ये बेसिकली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम तो इसकी इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के लिए है। जो सिस्टम ये यूज कर रहा है परपेचुअल के अंदर वो फाइफो मेथड है, ठीक है, ताकि जो इसकी क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू फाइफो मेथड से कैलकुलेट कर सके। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 पर्टेन्स टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट बीटा, यानी कि ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में डील करता है,
तो आई कैप की मेहरबानी कि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बीटा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी, बाकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी, वरना वो भी हमारे सर पे जो है एक मजीद लांझे का इजाफा हो जाना था। तो अब जो है हम देखते हैं कि प्रोडक्ट बीटा के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी हुई है। एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि जब भी हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का जिक्र आए तो फौरन आप लोगों का दिमाग एक बात पर क्लिक करना चाहिए कि हम लोगों ने जो भी हो जाए इन्वेंट्री स्टॉक शीट जरूर बनानी है। और इन्वेंट्री स्टॉक शीट इसलिए बनानी है क्योंकि ये परपेचुअल सिस्टम है, तो इसके अंदर हम जहाँ परचेजेस इन रिकॉर्ड करते हैं वहीं पर हम स्टॉक इन रिकॉर्ड करते हैं, वहीं पर ही हम स्टॉक आउट भी साथ साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा ये एक इफेक्टिव तरीका होता है कि हम एट द एंड ऑफ द पीरियड क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन भी कर लें इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी एक रिक्वायरमेंट जो है वो स्टॉक शीट की प्रेपरेशन है। ठीक है, आइए देखते हैं कि डेटा उसने हमें क्या दिया हुआ है। उसने 1 जनवरी को हमें ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। ये वो पहली चीज थी जिसको देखते साथ ही स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हो गए थे कि भाई ये क्या हो गया, इन्वेंट्री दो किस्म की है, ऊपर तो उसने हमें बताया हुआ है कि एक किस्म की इन्वेंट्री है, तो दरअसल बात यह है कि इन्वेंट्री एक ही किस्म की है। उसके 2800 यूनिट्स जो है वो 140,000 रुपीज उनकी वैल्यूएशन में आए और 1200 यूनिट्स जो है वो 62,400 यूनिट्स जो है उसकी वैल्यूएशन में आए। अब ये इसकी डिटेल के इनके जो वैल्यूएशन है वो क्यों मुख्तलिफ है, तो उसका जवाब ये हो सकता है, वैसे तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डेटा आई कैप ने दिया है तो वो आपके सॉल्व करने के लिए दिया है, उसके बैक एंड पे परेशान होने की आप जो है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि ये पॉसिबल है कि ये जो यूनिट्स हैं ये इस वजह से आपस में डिफरेंट हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट सेम है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंट है। प्रोडक्ट तो सेम है तो नॉर्मली होना भी ये चाहिए कि इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि 2800 यूनिट्स और 1200 यूनिट्स की डेट ऑफ परचेज में डिफरेंस हो और इस वजह से इनके रेट में फर्क हो जिस रेट पर इनको हमने परचेज किया था। डिस्काउंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि हो सकता है 1200 यूनिट्स जो हमने परचेज किए थे उनमें डिस्काउंट ज्यादा हो और बाकियों में डिस्काउंट कम हो। ठीक है, और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हो सकता है कि क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ये जो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास ये पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक को जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि कौन से यूनिट्स हमारी कॉस्ट के ऊपर वैल्यू होंगे और कौन से यूनिट्स हमारी एनआरवी के ऊपर वैल्यू होंगे। ठीक है, तो ये कुछ वजूहत हो सकती हैं कि इन्होंने हमें यूनिट्स के अतबार से मुख्तलिफ रेट्स ये क्यों मुख्तलिफ वैल्यूएशन क्यों दी है। बहरहाल इसमें हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है ही नहीं। ये मैंने वैसे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के तौर पर जो है एक याद दहानी करवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेनेशन देना मुनासिब समझी। तो उसके बाद फिर 3 जनवरी को एक हमारे पास परचेज की ट्रांजेक्शन है कि हमने 3000 यूनिट्स जो है वो परचेज किए हैं ऑन कैश, कैश पे हमने परचेज किए हैं और उनकी लिस्ट प्राइस यानी कि परचेज प्राइस क्या थी, 60 रुपीज पर यूनिट थी, लेकिन हम लोगों को हमने क्योंकि कैश पे परचेज की तो हमारा जो सप्लायर था उसने हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है यह आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। 8 जनवरी को क्या हुआ कि हमने 2900 यूनिट्स को सेल आउट किया 30 डेज क्रेडिट के ऊपर 266,800 का और उसमें 2% डिस्काउंट भी हमने दिया अगर हमें 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स जो है फंस गए थे कि यार अब डिस्काउंट आ गया है, 2% डिस्काउंट है, 10 डेज के अंदर पेमेंट करनी है, हमें क्या पता कि ये जो हमारा कस्टमर है 10 डेज में पेमेंट करता है कि नहीं करता। एक तो बच्चे इस बात में फंस गए होंगे कि हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करें, दूसरा वो इस बात में फंस गए होंगे कि भाई हमने जो इन्वेंट्री की सेल रिकॉर्ड करनी है वो हमने 266,800 के ऊपर रिकॉर्ड करनी है या जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अर्ज ये था कि भाई ये सेल की ट्रांजेक्शन है, परचेज की ट्रांजेक्शन नहीं है। सेल की ट्रांजेक्शन के अंदर ये इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट होती है कि आपने डिस्काउंट के ऊपर बेचा या आपने फुल प्राइस के ऊपर बेचा, डिस्काउंट आपका सेल डिस्काउंट था या आपका सेटलमेंट डिस्काउंट था, ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट होती है जब आप अपना स्टॉक लेजर शीट बना रहे होते हैं। बात आ रही है समझ में? सेल की केस में आपके डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन और सेलिंग प्राइस की इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट होती है अनलेस एंड अंटिल ये कि उस क्वेश्चन का एक अलहदा से सेपरेट पार्ट ये हो कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या नेट सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वगैरह वगैरह। बता रही है समझ में? तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो तो मैं इंशाल्लाह तआला आप लोगों के साथ करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ।
15 जनवरी को फिर हमने क्या किया कि 1800 यूनिट जो है उनको हमने सेल आउट कर दिया ऑन क्रेडिट पे, और उन यूनिट्स की जो सेलिंग प्राइस थी वो 171,000 थी, ठीक है, और इस पर भी हमने 5% डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे या हो सकता है कि पोटेंशियल हो उनमें कन्फ्यूजन का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ कि इररिलेवेंट होती है डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन सेल की ट्रांजेक्शन में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर स्टॉक शीट्स, इन्वेंट्री लेजर कार्ड्स। 20 जनवरी को हमने 500 यूनिट्स जो डैमेज हो गए थे, डैमेज थे वो हमने वापस कर दिए अपने सप्लायर को, और बैलेंस के हवाले से उन्होंने बताया है कि ये बेसिकली ये कॉन्ट्रा एंट्रीज की पास की गई थी, ठीक है, तो अमाउंट जो है वो सेट ऑफ कर दी थी अगेंस्ट द पेबल बैलेंस। तो ये जो पेबल, ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी स्टॉक लेजर के हवाले से जो है वो इररिलेवेंट है। हाउएवर इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जब आप लोग देखेंगे तो वो जनरल एंट्रीज के हवाले से है, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जस्ट लाइक द इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांजेक्शन रिटन अबव। 25 जनवरी को फिर 3000 यूनिट्स परचेज किए गए इस अमाउंट के अगेंस्ट। अच्छा, यहाँ पर फिर एक लफ्ज लिखा है पोस्ट डेटेड चेक। अब इस लफ्ज के ऊपर स्टूडेंट्स परेशान हो गए होंगे कि भी पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब है, ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं हमने गुजरी हुई तारीख का चेक दे दिया हो, या हो सकता है कि ये बेसिकली टाइम बार चेक हो। तो पोस्ट डेटेड का मतलब ये होता है कि डेटेड इन फ्यूचर, बात आ रही है समझ में? तो कोई ऐसा ही ये इन बातों की वजह से परेशान ना हुआ करें, ना टेंशन लिया करें। तो क्वेश्चन सिंपल होता है, बस आई कैप की वर्डिंग जो इस्तेमाल होती है वो थोड़ी सी उसको कॉम्प्लेक्स बना देती है। 30 जून को हमने क्या किया कि 2000 यूनिट्स जो है वो क्रेडिट पे परचेज किए थे, और ये जो यूनिट्स थे ये हमारे जो ट्रांसपोर्टर है उसने तो उसी दिन ही कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन हमारे गोदाम में, हमारे स्टोर में ये 3 फरवरी 2020 को पहुंचे। 31 जनवरी को जो हमने अपनी स्टॉक टेकिंग की, जो इन्वेंट्री काउंट किया, तो हमें पता चला कि 100 यूनिट्स जो थे वो एक्सपायर थे और उनको हम स्क्रैप में बेच सकते हैं एट ₹20 पर यूनिट, और जो 600 यूनिट्स हैं ये जो है बेसिकली मिसिंग थे हमारे वेयर हाउस में से। और इसमें जो हमारे जो ख्याल था वो ये था कि हमारा एक एम्प्लॉई जो कि काम छोड़ गया है वो अपने साथ ही उसको सवाब समझ के ले गया, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, दो रिक्वायरमेंट्स है इसकी। रिक्वायरमेंट एक कहती है, 8 नंबर की रिक्वायरमेंट है कि ये जो है मंथ ऑफ जनवरी 2020 के लिए आपने क्या करना है कि एक इन्वेंट्री लेजर कार्ड प्रिपेयर करना, और दूसरे नंबर पर जो है आपने अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है ये सारी अबव इंफॉर्मेशन की, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो काम आप लोगों को आसान लगा करे पहले आप लोग हमेशा उस काम को किया करें। अगर आप लोग ये समझते हैं कि जनरल एंट्रीज पास करना आप लोगों के लिए आसान है तो आप लोग पहले जनरल एंट्रीज की तरफ आ जाएं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं जी पहले इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना जो है वो ठीक रहेगा तो आप लोग पहले वो बना लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं या बी पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आपने जो काम करना है वो ठीक करना है और गलती कम से कम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को जो है वो बाकायदा तौर पर सॉल्व करते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि हम पहले जो इसकी जनरल एंट्रीज वाला पोर्शन है वो हम कर लें, क्योंकि जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग चैप्टर नंबर 4 से पढ़ते आ रहे हैं और उसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप भी ज्यादा होगी। इन्वेंट्री लेजर कार्ड पर हम अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर बनाएंगे, यानी कि हम इस क्वेश्चन का पार्ट बी पहले सॉल्व करेंगे और पार्ट ए जो है वो बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, और हसब वादा हम इंशाल्लाह जनरल एंट्रीज जो है वो पहले पास करेंगे। आपको पता है कि जो 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन है उसमें तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है, लिहाजा हमें जो है वो पास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा इसमें ख्याल ये है कि जनरल एंट्री से पहले हम क्या करें कि इसका लेजर कार्ड बना लें, इसलिए क्योंकि फाइफो मेथड है, तो फाइफो मेथड में हमें साथ साथ जो है वो कॉस्ट भी इन्वेंट्री की मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये परपेचुअल सिस्टम है तो इसमें हमारी जो एंट्रीज हैं वो मुख्तलिफ ज़्यादा होती हैं पीरियोडिक की नस्बत। तो हम पहले स्टॉक शीट ही बनाएंगे और उसके बाद फिर हम या साथ साथ हम जो है इसकी जनरल एंट्रीज भी पास करते रहेंगे ताकि एक तीर से दो शिकार कर लें। तो आइए स्टॉक शीट बनाते हैं। इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स जो है दो किस्म की इन्वेंट्री है, तो 2800 यूनिट्स और 140,000 की ये परचेज की गई थी। तो इसका रेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल आपने क्या करना होगा कि 140,000 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए 2800 से, तो आपको इसका रेट मालूम हो जाएगा।
ये बेसिकली 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से है। और दूसरा सेट जो है इन्वेंट्री का वो 1200 यूनिट्स है 62,400 का। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के अंदर एक अजम्पशन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हमारी जनरली अजम्पशन ये होगी, चाहे आप लोग मेंशन करें या ना करें, मेंशन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि जो 2800 यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, जिसको मैंने अभी बोल्ड किया है, ये 2800 यूनिट्स चूंकि पहले लिखे हुए क्वेश्चन में, इस वजह से हम ये अज्यूम करेंगे कि ये हमने पहले परचेज किए थे, और 1200 यूनिट्स क्योंकि क्वेश्चन में बाद में मेंशन किए गए हैं, लिहाजा हमारी अजम्पशन होगी कि ये हमने बाद में परचेज किए थे। और ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट परचेज किया गया था उसको पहले आउट होना चाहिए, ठीक है, वो पहले आउट होना चाहिए। चले, ये हमारी 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन थी, और यहाँ पर आप इसके पर्टिकुलर्स के अंदर लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद फिर अगली जो ट्रांजेक्शन हुई है वो 3 जनवरी की ट्रांजेक्शन हुई है, कि जिसके अंदर आपने परचेजेस की हैं, कितने की, 3000 यूनिट्स की परचेजेस की हैं, और आपके पास जो है इसकी जो परचेज प्राइस थी वो 60 रुपीज़ पर यूनिट है। लेकिन एक मसला है कि यहाँ पर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 5% का। अब ट्रेड डिस्काउंट के मुतालिक आप लोगों को पता है कि हम जब भी अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं तो बेसिकली वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट लेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट गिवन बाय द सप्लायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर अपने सबसे पहले तो डेट लिखनी है, और डेट लिखने के बाद आपने यहाँ पर परचेजेस लिखना है, और 3000 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, कितने के परचेज किए हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं रेट कैलकुलेट करने के, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आप लोगों को मैं जबानी बता दूंगा, आप लोग उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो जरा लंबा तरीका है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। आपके पास जो है 60 रुपीज पर यूनिट जो है वो प्राइस थी एक यूनिट की, और टोटल आपको डिस्काउंट लगा हुआ है 5% का, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि 3000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, यानी प्राइस पर यूनिट से, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपकी ग्रॉस प्राइस आ जाएगी। लेकिन जब आप इस आंसर को 95% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नेट प्राइस आ जाएगी। जब एक बार आपके पास नेट प्राइस आ जाए तो आप क्या करें कि 171,000 को आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपके पास जो है वो रेट आ जाएगा 57 का। या दूसरा तरीका भी चले मैं करके दिखा देता हूँ, या तो आप लोग सिंपली ये कर लें कि 60 को मल्टीप्लाई कर दें 0.95 से, तो तब भी आपके पास 57 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इस चीज का, इस परचेज का रेट कैलकुलेट करना है। इसको आपने जब कैलकुलेट कर लिया और रिसीट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, तो एज इट इज आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है कहाँ पर, अपने बैलेंस वाले पोर्शन में। अच्छा, नॉर्मली आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम कोई चीज़ लेते हैं, सेल करते हैं या परचेज करते हैं, या इन्वेंट्री का कोई भी रिसीट होता है या किसी भी किस्म का इशू होता है, तो बैलेंस वाले जो कॉलम्स होते हैं उसमें हम उनका बाकायदा तौर पर बैलेंस भी ले लेते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो अभी इन सब को ऐड करके इसका जो आंसर आ रहा है 7000 वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने में हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन फिर आप लोग एंड पे खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर ना लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास इन्वेंट्री 2 किस्म की है, और अब इस परचेज के बाद 3 किस्म की इन्वेंट्री हो गई है। पहली इन्वेंट्री हमारे पास 2800 यूनिट्स की है जिनका रेट 50 है, उसके बाद दूसरी इन्वेंट्री 1200 यूनिट्स की है जिसका रेट 52 है, और अब हमने 3000 जो है वो इन्वेंट्री के आइटम्स खरीदे हैं जिनका रेट 57 है। तो हम ये चाहेंगे कि हमें इंडिविजुअली इन तीनों टाइप्स की इन्वेंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे सामने पड़ी रहे। अगर हम इस सबको टोटल कर देंगे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला फाइनल आंसर के ऊपर, लेकिन फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो हम इशू कर रहे हैं वो यूनिट किस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे, हम एंड के ऊपर आके जितना भी प्लस माइनस हो रहा है वो सारा कुछ हम एंड पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि अगली ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ। 8 जनवरी को हमने ट्रांजेक्शन की है, हमने 2900 यूनिट्स जो है वो सेल किए हैं 30 डेज की क्रेडिट पे, और आगे जो है सेलिंग प्राइस बताई हुई है और उसका डिस्काउंट बताया हुआ है, लिहाजा इस चीज़ की हमें ना ज़रूरत थी ना ज़रूरत है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि 8 जनवरी की हम ये ट्रांजेक्शन हम पास करते हैं अपनी इस स्टॉक शीट में। तो 8 जनवरी हम डेट लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको टाइडी रखने के लिए हमने लाइन भी छोड़ दी है, और आप लोग भी ये प्रैक्टिस किया कीजिए अपने पेपर में।
हमने 2900 यूनिट्स जो है वो बेचे हैं। अब आपको पता है कि ये जो है बेसिकली फाइफो सिस्टम है, 2900 यूनिट्स हमने बेचे हैं तो हम डायरेक्ट इधर 2900 नहीं लिखते। इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इस 2900 के अंदर कुछ पोर्शन तो हमारी फर्स्ट परचेजेस का होगा, कुछ हमारी लेटेस्ट परचेजेस का होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फर्स्ट आउट है। अगर ये एवरेज कॉस्टिंग होता है तो हमें ये टेंशन ही ना होती, क्योंकि यहाँ पर हम हर परचेज के साथ एक नया रेट कैलकुलेट कर चुके होते, यहाँ डायरेक्टली 2900 लिखा होता, यहाँ पर हम कैलकुलेटेड रेट लिख देते और यहाँ पर हम टोटल इसका निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा अपने बैलेंस की फिगर में कि हमारे पास 2800 यूनिट्स पड़े हैं हमारी सबसे पहली परचेज के, जो हमने अजम्पशन ली हुई थी कि हमारी पहली परचेज है, तो यहाँ पर 2900 यूनिट्स में से 2800 तो डायरेक्ट हमारे पास ये आ गए। इसका जो रेट है वो 50 था और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये इनका प्रोडक्ट है जनाब 40,000। ये मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक कलर शेड भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने क्या चीज कहाँ से उठाई है। ठीक है, ये 2800 यूनिट्स जो है ये सारे के सारे फिनिश हो गए। हमारी सेल हुई है 2900 यूनिट्स की, यानी कि हमारे पास 100 यूनिट्स आए हैं इस 1200 में से। तो आप क्या करेंगे जनाब, आप इसको लिख लीजिए 100, इसका रेट था 52 और यहाँ पर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, तो 5200 की जो अमाउंट है वो आप लोगों की यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मैं इसको कलर बेसिकली इसका हटा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता चल गया कि क्या चीज कहाँ से आई है। अच्छा, एक तरीका ये है कि अब आप लोग जब बैलेंस इसका करें तो इसको इंडिविजुअली इसको प्लस और माइनस करते जाएं, जो जो चीजें आपने बेच दी हैं उनको उनके ओरिजिनल बैलेंस में से, लेकिन वो भी आपका काम बढ़ जाएगा और आपको उसका फायदे से ज्यादा शायद उसका नुकसान उठाना पड़े आपके पेपर के टाइम आउट होने की सूरत में। इस वजह से आप जो है बस अपने जहन के अंदर याद रखें कि आप कौन से यूनिट को आपने कब प्लस या माइनस करना। ठीक है, बहरहाल अब यहाँ पर बैलेंस वाली इसमें आके आप लोगों ने इनको गुड्स को माइनस कर दिया जिसको आपने सेल आउट किया था। और यहां पर हम क्या करते हैं कि इनकी फिगर एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद हम अपनी अगली ट्रांजैक्शन के ऊपर आते हैं 15 जनवरी की। 15 जनवरी को भी हमने क्या किया कि 1800 यूनिट्स हमने क्रेडिट के ऊपर सेल किए हैं और जो हमने जिस अमाउंट से इनको सेल किया है वो अमाउंट क्या है, 171,000 है और उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ किया। तो यहाँ पर अगेन स्टॉक शीट बनाने के लिए तो बाकी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, बस जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है हमारे लिए वो क्या है कि हमने 1800 यूनिट्स को सेल आउट किया है। तो यहाँ पर हम इसकी डेट लिखेंगे 15 जनवरी और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सेल्स लिखना है क्योंकि हमारी सेल की ट्रांजैक्शन है। अब आप लोगों को याद होगा कि ये जो 1800 यूनिट्स हमने अभी बेचे हैं तो इस 1800 में से 1100 यूनिट्स यहाँ से आए हैं, इसको मैंने यूं शेड दे दिया। ठीक है, तो 1100 यूनिट्स आप लिख लीजिए, उनका रेट 52 लिख लीजिए और यहाँ पर आप इनका प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अल्टीमेटली क्या आएगा, 1800 माइनस 1100 यानी कि 700 यूनिट्स बाकी बच गए और वो 700 यूनिट्स कहाँ से फंड हुए, वो यहां से आए 3000 में से और इसका रेट क्या है, 57 है। तो ये जो हमारी 15 जनवरी को सेल हुई है तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेट होगी और यहाँ पर जो है आप इन यूनिट्स को माइनस कर देंगे बैलेंस वाले पोर्शन में, साथ इनका रेट लिख लेंगे और यहाँ पर इनकी जो अमाउंट्स हैं हम इनको भी डायरेक्टली पंच कर देते हैं। ये हमारी जो सेल की ट्रांजैक्शन थी ये भी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब क्या ख्याल है, साथ साथ कुछ ना कुछ जर्नल एंट्रीज भी ना पास कर ली जाए ताकि जो चीजें ताजी ताजी पढ़ रहे हैं वो साथ साथ जर्नल एंट्रीज के अंदर भी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती जाए। तो आइए सबसे पहले 3 जनवरी 2020 की जो जर्नल एंट्री है वो पास करते हैं। यहाँ पर हम डेट लिखेंगे 3 जनवरी 2020। ये हमारी बेसिकली परचेज की ट्रांजेक्शन थी तो इसको हमने
ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला हुआ था, तो हमने सिंपली क्या एंट्रीज की पास करनी है, ये सीरियल नंबर इसका 1 लिख लें, यहाँ आप डेट लिख लीजिए 3 जनवरी 2020। पर्टिकुलर्स क्या है, जब भी आप परचेजेस करते हैं तो क्या एंट्री पास की जाती है, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है इस वजह से आप यहाँ इन्वेंट्री अकाउंट यूज कर लीजिए। इन्वेंट्री अकाउंट आप डेबिट कर देंगे किस अमाउंट से, ये आपके पास यहाँ स्टॉक शीट से आप अमाउंट ले लें 171,000 से। अगर तो एक्सेल के ऊपर पेपर सॉल्व करना होता तो आप डायरेक्टली जाहिर है कि वहां का यहाँ वहां से लिंक उठा के पेस्ट कर देते, लेकिन चलें अगर मैं वो काम यहाँ करूंगा तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएं। और ये हमने परचेज किस पे की है, कैश पे परचेज की है, लिहाजा हमारा जो कैश अकाउंट है वो यहाँ पर क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट से, ऑब्वियसली 171,000 की अमाउंट से।